नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अर्घ देने के। आप सभी जानते हैं कि सूरज और चंद्रमा को अर्घ देते हैं और अर्घ देने के क्या महत्व होते हैं और आपके जीवन पे कितने प्रभाव डालते हैं जानते हैं इस वीडियो के दौरान। नंबर एक, गणेश भगवान। गणेश भगवान को सबसे पहले शुभारंभ के लिए माना जाता है। आपने कभी भी देखा होगा कि जब भी हम किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे होते हैं तो हम सबसे पहले गणेश भगवान की स्थापना करते हैं और पूजा करते हैं। पूजा करने के लिए भगवान को दूर्वा घास दूध अर्पित करते हैं और कुमकुम चंदन से उनके माथे पर तिलक लगाते हैं और गणेश को नमस्कार कह के अपने नए काम के लिए शुभ आशीर्वाद देकर अपने काम के लिए निकलते हैं। माना जाता है कि गणेश भगवान को अर्घ देने से आपके सारे काम सफल हो जाते हैं। नंबर दो, पीपल का पेड़। यदि आप अपने गिरहों की बाधाओं को समाप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पीपल पर जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी जितनी भी समस्याएं हैं जो आपके गृह से रिलेटेड हैं वो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और हल्दी और चंदन का टीका जरूर लगाएं और एक पीला धागा ले जो पीपल के चारों ओर बांधते चले। ऐसा करने से इसे 7 बार बांधे और ऐसा मंत्र जपते जाएं, बृहस्पति भगवान को धन्यवाद करते जाएं और इस धागे को बांधते जाएं। ऐसा करने से आपके जितने भी ग्रह हैं और समस्याएं वैसे भी दूर हो जाएंगी। नंबर तीन, सूर्य को अर्घ देना। हम सभी जानते हैं कि हमने देखा भी है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी जानते हैं और कहते भी हैं हमसे कि कभी भी सुबह उठकर स्नान करने के बाद आपको सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं और उसमें एक चुटकी रोली या कुमकुम और हल्दी इसमें से कोई भी चीज डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं और आपके करियर की बाधाएं हैं वे सभी दूर हो जाती हैं। और खास ख्याल रखें कि आप प्रतिदिन 21 लोटे चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके सामाजिक और आपके करियर को लेकर जितनी भी समस्याएं हैं वे सभी दूर हो जाएंगी। नंबर चार, चंद्रमा को अर्घ देना। आप चंद्रमा के उदय होने पर चांदी के बर्तन में दूध लें और दूध लेने के बाद जब चंद्रमा उदय होता है पूर्णिमा के दिन उस दिन चंद्रमा को दूध अर्पित करें। ऐसा करने से भी आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वह दूर हो जाती हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। नंबर पाँच, संकटा देवी। संकटा देवी का निवास नीम पेड़ में होता है। यदि आपके घर में या फिर आस पास कहीं पर नीम का पेड़ है तो उसकी पूजा जरूर करें और संकटा देवी का ही नाम उच्चारण करते रहें और एक दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद वहाँ जल भी अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भूत प्रेत या फिर आपके करियर में आने वाली समस्याएं भी दूर होती हैं और आपको बीमारी लगी हो तो वह भी दूर हो जाती है जो आपके लंबे समय तक रहती है। लेकिन उसके लिए आपको 3 या 4 महीने तक वह नीम का आपको रोज नीम की पूजा जरूर करनी होगी। 6, तुलसी का पौधा। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप तुलसी के पौधे की भी पूजा कर सकते हैं। वैसे तो तुलसी को सबसे ज्यादा औषधि के लिए यूज किया जाता है और सबसे अच्छा और सबसे प्यारा पौधा माना जाता है। जिसके घर में भी तुलसी का पौधा होता है और हरा भरा रहे तो समझ लीजिए कि उसके घर में खुशियां हमेशा ही रहती हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है या विवाहित परिवार में आप दुखी हैं तो उसके लिए भी आप तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं और अर्घ जरूर दें। ऐसा करने से आपकी जितनी भी विवाहित जीवन में परेशानियां हैं वह सभी दूर हो जाएंगी। तो ये है वह चीज़ें, यदि आप करते हैं तो आपकी समस्याएं सभी दूर हो जाती हैं। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Oh!